मुर्तसिम को अचानक से अपनी मंगनी के वक्त मीरव याद आ जाती है और मीरव के साथ गुजरे तमाम लम्हात याद आ जाते हैं। मुर्तसिम जैसे ही वो अंगूठी हया को पहनाने लगता है तो उसे याद आता है कि किस तरह उसने मीरव को यह अंगूठी पहनाई। वो एकदम अफसरदा हो जाता है। माँ बेगम उसे हिलाती हैं और कहती हैं, मुर्तसिम हया को अंगूठी पहनाओ। मुर्तसिम जल्दी से होश में आता है। हया जो बहुत खुश होती है, वो एक लम्हे को मीरव की यादों में गुम मुर्तसिम को देखकर बहुत जेलस होती है, लेकिन अगले ही लम्हे मुर्तसिम हया को अंगूठी पहना देता है, जिस पर हया की बातें एक बार फिर खेल उठती हैं। अब हया बहुत खुश है कि वह अपने मकसद में कामयाब हो गई है और अब मुर्तसिम उसे मिलने वाला है। अब उसके और मुर्तसिम के दरमियान कोई नहीं आ सकता। आज ना यहाँ मीरव है और ना ही कोई ऐसी बात है जो उसके और मुर्तसिम के दरमियान में आएगी। वो सोचती है कि आखिर को उसने अपना ख्वाब पा ही लिया, आखिर वो मुर्तसिम की हो जाएगी और मुर्तसिम उसका हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती कि मुर्तसिम अब भी मीरव की यादों से निकल नहीं पाया। वो हर लम्हा हर दम मीरव को ही याद करता रहता है। ड्रामे के अगले एक साथ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।